तो हेलो गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आई होप काफी पॉजिटिव होंगे मस्त होंगे व्यस्त होंगे भाई नए दिन की शुरुआत हो चुकी है फिलहाल आपका भाई रेडी हो रहा है कहाँ के लिए हर हर महादेव शंभू जी हाँ काशी विश्वनाथ का अपना टूर होने वाला है और वाराणसी काशी इसको कौन एक्सप्लोर करना नहीं चाहता आ, ये कहें कि आ, विश्व की सबसे पुरानी नगरी काशी तो फाइनली आ, भोले बाबा का बुलावा आ चुका है टिकट्स बुक हो चुकी हैं फिलहाल मेन तो जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तब माना जाएगा तो अभी पहुँचे नहीं है बट उस जगह पे पहुँचने से पहले बहुत सारी तैयारी करनी है तो आज अभी हम वही सारी तैयारियाँ कर रहे हैं तो फिलहाल पैकिंग शैकिंग करेंगे और बहुत सारी चीज़ें माइंड में यार आ, लिटरली बोलूँ तो काशी के लिए ने यार बहुत सारी प्लानिंग करी है बहुत सारी प्लानिंग करी है अभी शायद आपको नहीं लग रहा होगा बट लिटरली ना पूरी एक रात से सोया नहीं हूँ कॉन्टीन्यूसली रिसर्च किए जा रहा हूँ कि क्या डालू क्या डालू क्या डालू क्या डालूँ इतनी सारी चीजें हैं अब वो सारी अगर डालूंगा तो व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो सब नहीं डालते हुए बहुत सारी चीज़ें शॉर्टन करिए बाकी तो एग्जैक्टली exactly जब वहां पहुँचेंगे तब पता चलेगा कि और क्या उसमें कट किया जा सकता है या इंक्लूड किया जा सकता है फिलहाल के लिए अभी आपको बता दूं तो पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है जी हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी सारी चीज़ें भी सो so भाई फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये काशी जा रहे हैं यार कुछ स्पेशल होना चाहिए तो वहाँ पर हमारा मेन टेंपल डे जब हम विज़िट करेंगे तो उसके लिए मैंने ये रखा है ये वाला एक कुर्ता एक पाजामा और ये एक मैंने कैजुअली वैसे ही रख लिया मैंने कहा एक एक्स्ट्रा एक ड्रेस हमेशा कैरी करनी चाहिए और इसी के साथ भाई ये अपनी टिकट्स वगैरह हो गई और इसी के साथ भाई आ, यू नो इसी के अंदर भी है एक बुकिंग रुद्राभिषेक वाली बुकिंग तो भाई वो मेन है वो कैसे करनी है आप भी कैसे कर सकते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ और इधर है भाई अपना ड्रोन ड्रोन इसको अभी चार्जिंग पे लगाना है ठीक है और ये देखो भाई ये ये सब अभी फैला वैला पड़ा है इन सब को अभी चार्जिंग पे इकट्ठा लगाएंगे रेडी करेंगे फिलहाल अपना बैग उठा लेते हैं यहां से और चलते हैं जी आगे और इस बार भी मैं वही करने वाला हूँ क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है कुछ नहीं पता कब आ जाए तो भाई पॉली के अंदर सारे कपड़े डालेंगे फिर बैग के अंदर डालेंगे ऑल दो वॉटर बैग है बट फिर भी तो भाई वैसे तो है ना बहुत सारी कन्फ्यूजन है माइंड में मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी क्योंकि यार काशी को जब मैं ब्रीफ कर रहा हूँ मतलब जब मैं डिटेल में जा रहा हूँ भाई इतनी सारी चीज़ें यार और अब मुझे लग रहा है कि भाई एक दिन बहुत कम पड़ने वाला है अपने आप को हमें आ, वैसे हम एक या दो दिन के अंदर पूरी वैष्णो देवी की यात्रा करके आ जाते हैं पूरा कवर करके आ जाते हैं तो भाई काशी में क्यों नहीं कर पाएंगे मैंने ये सोच के एक दिन में आ, करा था बट काशी तो भाई बहुत बड़ा है भाई काशी बहुत बड़ा है तो चलिए देखते हैं बहुत सारी प्लानिंग और भी करी है तो अगर वो हमारा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो भाई डेफिनेटली आप लोग बता ही दोगे आप लोगों के व्यूज बता देंगे कि भाई आप लोगों को पसंद आया नहीं आया जो भी है और अच्छे रहे अच्छा रहेगा तो फिर आगे और भी इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे नहीं रहेगा तो भाई फिर कुछ अपडेट कर देंगे यार अब आपको पता है देखो बारह ज्योतिर्लिंग दर्शन का हमने चैलेंज ले लिया है और ऑलरेडी केदारनाथ जी के दर्शन हम कर चुके हैं तो दूसरा नंबर हमारा है जी काशी विश्वनाथ शंभू हर हर महादेव सबसे पहले तो ना मैं इनको रख रहा हूँ भाई इनको आराम से रख देते हैं अंदर सो so जी गैजेट्स वगैरह अपने सारे चार्जिंग पे यहाँ पे लगा दिए हैं हमने ये अपना ड्रोन रिमोट चार्ज हो रहा है बैटरी इसकी तीनों कंप्लीट चार्ज हो चुकी हैं भाई देख सकते हो जी ये देखो जी और ये देखो जी नीचे सारी डॉट्स क्लियर आ रही हैं बैटरी अपनी कंप्लीट चार्ज और फिलहाल रिमोट हो ही रहा है और ये देखो जी ये हो रहे हैं माइक अपने ये माइक अपनी चार्जिंग हो रही है इसमें इस वाले में भी और इस वाले के अंदर भी तो जी ये अभी अपना चार्ज हो जाएगा उसके बाद हम लगाएंगे जी अपना इसको इसको लगाएंगे भाई चार्जिंग पे ये हो गया अपना पावर बैंक ये अपना ड्रोन हो गया और इसके अलावा फ़ोन अपना चार्जिंग पे लगी रखा है तो सारे गैजेट्स फुल चार्ज कर लेंगे और फिर निकलेंगे इवनिंग में अब मैं ये सोच रहा हूँ यार काशी में ना ज़्यादातर टेम्पल्स ही हैं और हम लोग भी एक्सप्लोर करने टेम्पल ही जा रहे हैं तो यार शूज़ ले जाके क्या करेंगे शूज़ पहन के ही नहीं जाते तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से ना सीधा स्लीपर ही पहन के निकलेंगे मेट्रो uh, में और फिर ट्रेन में तो यार निकाल ही देंगे और फिर वहाँ पर मंदिर में भी काफ़ी कम्फर्टेबल रहेगा है ना आप क्या कहते हो कमेंट करके बताना फिलहाल जो ट्रेन की टाइमिंग है ना वो है लगभग आठ बज के पचास मिनट की और हमने बुक करी है शिव गंगा एक्सप्रेस जो कि मुझे सबसे बेस्ट ट्रेन लग रही थी वाइल बुकिंग जो उसकी टाइम शेड्यूल्स है उस हिसाब से तो अभी देखते हैं कि ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर होने के बाद पता चलेगा कि ट्रेन ऑन टाइम है या नहीं है तो वो तो मैंने अभी वैसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं बट मैंने किया नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए आ, पूरी इस बार तैयारी करेंगे कि टाइम से निकले जनरली सिंगल डे के ट्रैवल में ना मेडिसिन वगैरह कुछ खास रखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती और वहां पर भी लगभग सारी चीज़ें ही होती हैं आजकल सब जगहों पे बट फिर भी यार मैं सोच रहा हूँ अपनी नॉर्मल मेडिसिन वगैरह जो है ना वो रख ही लेते हैं कुछ भी हो सकता है भाई फ़िलहाल ना मैं सोच रहा हूँ अपना लोअर ही डाल लूँ क्योंकि रात को ना ट्रेन वगैरह में ना लोअर वगैरह सही रहता है भाई क्योंकि अगर जीन्स वगैरह या वो सब चीज़ें पहन लो ना एक तो वहां पर चेंज करने में फिर दिक्कत आती है सीधा यहीं से ही ऑल सेट होके जाओ लोअर में और सीधा वहां पे अपना बैग रखो डिनर वगैरह पहली करके चलेंगे यहाँ से और सीधा अपना लाई डाउन हो जाओ और उसके बाद स्टोरीज वगैरह अपलोड करो तो भाई इसीलिए सारी तैयारी करके अपना चलते हैं सो so जी फाइनली भाई ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें रखनी थी वो सारी रख ली हैं कुछ आ, और इन्फॉर्मेशन भी लेनी थी वो भी सब हो चुका है और अभी ना फिलहाल डाटा ट्रांसफर रह गया भाई अभी डाटा ट्रांसफर फटाफट कर लेते हैं ये वाला काम फिनिश और डाटा ट्रांसफ़र होने के बाद फिर भाई फटाफट से यहाँ से निकलेंगे क्योंकि अपनी जो ट्रेन है वो एग्जैक्ट आठ बजे की है और ऑलमोस्ट अभी छः बजने में तीन मिनट बाकी हैं तो ज़्यादा टाइम अपने पास है नहीं डेढ़ घंटे का मार्जिन एटलीस्ट अपने को चाहिए सो जी फटाफट फड़ से डाटा वगैरह ट्रांसफर करते हैं और फिनिश करते हैं भाई लैपी की भी यार एंड टाइम पे ना बैटरी डाउन हो रखी है फटाफट से अभी चार्जिंग पे लगाते हैं ये रहा जी अपना चार्जर तो फटाफट से इसको कनेक्ट करते हैं भाई नीचे भी मैंने डाल लिया है स्लीपर क्योंकि टेंपल है भाई क्या ही करना शूज वगैरह पहन के जितनी ज्यादा चीजें ले जाओ उतनी ज्यादा प्रॉब्लम है उतना ही ज्यादा कंसंट्रेशन खराब होती है तो इसलिए भाई मंदिर में जा रहे हैं तो अपना स्लीपर सबसे बेस्ट है हर हर महादेव और इसी के साथ भाई ये वाला व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस वाले व्लॉग के लिए फिलहाल अभी यू नो टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है ना लास्ट डे वाला कि भाई बिल्कुल ही पता नहीं चलता तो अभी आ, इस वाले व्लॉग को फिर यहीं पर एंड करते हैं और फटाफट से निकलते हैं सो so गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ गिव अ लाइक चैनल पे अगर नहीं हो इस तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल और मिलते हूँ दोबारा कल आपसे एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए व्लॉग में टिल कीपिंग यूर लाइव जीरो आई डी जल्दी जाके फॉलो कर लो लेटेस्ट अपडेट रील की फॉर्म में सबसे पहले वहीं पर आते हैं और हाँ इंस्टा आई डी को जल्दी से जाके फॉलो कर लो क्योंकि अब मैं स्टोरीज वगैरह अपलोड करूंगा और स्टोरीज वगैरह से आप कनेक्टेड रहेंगे और दर्शन करेंगे जहां हम जा रहे हैं हर हर महादेव